युवा मोर्चा के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में, जहां भाजयुमो के द्वारा एक स्टॉल लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। आज से एक पखवाड़े का कार्यक्रम शुरू हुआ है, सेवा के पूरा पखवाड़ा है। आज की शुरुआत है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री जी के बाल्यकाल से लेकर उनके आज तक के इतिहास पर एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। मैग्नेटो मॉल में वृक्षारोपण हुआ, उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे गए, बहुत सारे सेवा के कार्य आज हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में जिस प्रकार से विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया गया है, निश्चित रूप से उन पीड़ित लोगों को, जो बीमार, जो जिनको ब्लड के अभाव में कई बार मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को जीवन दान देने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कर रहा है। भाई गोविंदा गुप्ता जी, भाई अर्पित सूर्यवंशी जी, राहुल राव जी और प्रभारी राजेश पांडे जी के नेतृत्व में हमारे सभी भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता प्राण प्राण से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ब्लड डोनेशन का वृहद कैंप पूरे छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। जब हम मोदी जी के जीवन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सेवा का काम किया है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में हम प्रेरणा लेते हुए हम सेवा का एक पखवाड़ा चला रहे हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसमें विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्यक्रम होंगे। युवा मोर्चा द्वारा आज रायपुर शहर जिले के जयस्तंभ चौक में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक स्वतः रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। एनएसयूआईएम कांग्रेस आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, कैसे देखते हैं? उनकी, मैं कई बार पहले भी बोल चुका, उनकी बात को हमको गंभीरता से लेना ही नहीं है। जिन व्यक्तियों ने 70 साल राज किया और उसके बाद आज वो बेरोजगारी का वो झुंझुना बजा रहे हैं तो सही नहीं है ना। अभी भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, उसका क्या हुआ? उन्होंने इतने लोगों को नौकरी देंगे बोले, उसका क्या हुआ? रायपुर शहर की आपको बात बता रहा हूँ, यूज़र चार्ज हाफ करेंगे बोले, क्या हुआ? बिजली बिल हाफ करेंगे बोले, क्या हुआ? बिजली बिल के उल्टा रेट बढ़ा दिए उन्होंने। इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लिया नहीं जाता। और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता भी उनको इस 2023 के चुनाव में गंभीरता से नहीं लेगी। जिस सम्मान से सरकार ने उनको विधानसभा पहुंचाया था, उसी सम्मान से उनको विधानसभा से बाहर लाएगी। और आगे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे भाजयुमो के द्वारा? सेवा पखवाड़ा में सरोवर, अमृत सरोवर अभियान चलेगा, जिसमें शहर के विभिन्न तालाबों को सफाई की जाएगी। साथ ही साथ मोदी जी के योजनाओं का, जिन जिन गरीब कल्याण योजनाओं से जिन जिन लोगों को लाभ मिला है, उन उन लोगों के द्वारा मोदी जी को एक शुभकामना और धन्यवाद का एक पत्र लोगों के द्वारा दिया बांटा जाएगा, जिसको युवा मोर्चा के जिम्मेदारी में है। बोल छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए भारतीय जनता शहर रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत आज रायपुर के जय स्तंभ चौक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में आभार प्रकट का कार्यक्रम भी आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के द्वारा किया जाएगा। भाजयुमो रायपुर शहर जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता ने बताया कि रक्तदान शिविर के अलावा आने वाले दिनों में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने एनएसयूआई के बेरोजगारी दिवस मनाने पर कहा कि भूपेश सरकार एक और अपने ही वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।